तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। ये एपिसोड आखिरी एपिसोड है हिंदी एनालिसिस का इंग्लिश चैनल पर। तो अगर आप इसे इंग्लिश चैनल पर देख रहे हैं तो अब से जो भी एनालिसिस आएगा हिंदी एनालिसिस, वो हिंदी वाले चैनल पर आएगा जिसका नाम है सेंसिबल हिंदी। उसका लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में दे दिया है, पिन कॉमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें हिंदी एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नई हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल एनालिसिस किया था, आज कैसा टर्नआउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो कल हमने एक बात कही थी मार्केट में, हमने कहा था कि बस हमें साइडवेज टू बेरिश एक्सपायरी देखने को मार्केट में मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि एक मैं आपको ये चीज़ बता दूँ आज। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी हम ये बोल रहे हैं कि बॉस मार्केट में हमें साइडवेज तो मतलब एक बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है, तो उसका हमारा ये कंडीशन था कि बॉस अगर मार्केट ये पर्टिकुलर स्विंग्स है, ये हटा देता हूँ इसको, तो ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ आज। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा ये था कि बॉस अगर मार्केट ये लो क्रॉस करेगा विच वॉज 16,500 अगर मार्केट में क्रॉस करेगा देन वील थिंक ऑफ, कि मैंने ये बोला था बॉस मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे क्रॉस करता है तो हमें एक बेरिश एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, ये होगा तो हमें एक साइडवाइज एक्सपायरी, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो साइडवाइज एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अपसाइड पर हमारा ये था कि अगर हम नीचे साइड मार्केट आएगा तो सेल करेंगे, अपसाइड मार्केट में हमें एक अपसाइड पर एक्सपायरी देखने को मिल सकती है अगर मार्केट, जैसे हमने ये डिस्कशन हमने बैंक निफ्टी में किया था कि अगर मार्केट अपसाइड पर मूव करना शुरू करता है तो ये जो लेवल्स हैं जहाँ पे 36,000 पे हमारा बहुत बड़ा ओआई खड़ा हुआ था बैंक निफ्टी में, फिर वो स्क्वायर होना शुरू होगा तो हमें अपसाइड मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक ही केस में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि बॉस हम लोग मार्केट में सेल करेंगे और हमने पोजीशन के लिए भी कॉल सेल इसलिए बोला था कि बॉस मार्केट में हमें अगर एक बेरिश क्लोज या बेरिश एक्सपायरी हमें इस तरह की देखने को मिलती है तो हम मार्केट में फिर कॉल सेल की तरफ प्लान करेंगे। परंतु मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट ने पहले जो पहला 15 मिनट का कैंडल था वो अपसाइड पर मार्केट ने क्लोज करते हुए, फिर अपसाइड पर ही मार्केट रहा 16,500, फिर मार्केट ने टच नहीं करा। पहला ही मार्केट ने जब पहला 15 मिनट कैंडल उसके ऊपर क्लोज दिया उसके बाद मार्केट ने उसको टच नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है ठीक एक्सपायरी रही होगी ये वाली भी, बुलिश हमें नेचर मार्केट का पहले ही कुछ मिनटों में पता चल गया था यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं कि बस आगे मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात। तो हम चलते हैं लाइन चार्ट पर, ठीक है, लाइन चार्ट पर हम चलते हैं डेली कैंडल पर। ठीक है, तो डेली कैंडल पर अगर आप देखेंगे कि जब से मार्केट ये जो चैनल हमने बनाया इसके आसपास से ऊपर निकला है तब से मार्केट ने कोई भी बेरिश क्लोज नहीं दिया है। देख रहे हैं आप कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4, 5 पांचों दिन मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोज ही दिया है। ठीक है, पिछले दिन से ऊपर ही दिया है क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट एक तो देखिए सबको ये दिखाई दे रहा है कि बस मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो जब तक कि आपको या हमें चार्ट्स पर नहीं मार्केट बताएगा कि बॉस मैं नीचे जा रहा हूँ, तब तक हम किसी भी तरह से मार्केट में ये प्रिडिक्ट करके निकलेंगे कि बॉस अरे यार देखो इतने टाइम से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, अब तो इसको नीचे गिरना चाहिए और आप सेल साइड पर पोजीशन बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये सोच के साथ आपने नहीं रहा, अनलेस आपको चार्ट्स पर कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है कि मार्केट किसी तरह का मोमेंट कर रहा है, ठीक है, तो हम फिर मार्केट में शॉर्ट करेंगे, राइट। हमें ऐसा क्यों, हमें ये नहीं करना है ना बॉस, हमें इस रैली में यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, हमको ये नहीं प्रेडिक्ट करना, हमको जब ये चीज़ होने लगेगी तब हम यहाँ कहीं पर एंट्री करेंगे और ठीक जब ये चीज़ होने वाली होगी तब हम यहाँ कहीं पर एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि बॉस हमें यहाँ पर एंट्री लेना है और बेसिकली टॉप पे एंट्री लेना, बॉटम पे एंट्री ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए, अगर मार्केट फिर से अपसाइड पर मूवमेंट करता है, फ्लैट खुल के मार्केट हाई क्रॉस करता है विच इज 16,600 का लेवल जो है वो मार्केट के लिए अच्छा लेवल है, उसके ऊपर अगर फिर से मार्केट निकलता है या आज का जो हाई है वो मार्केट क्रॉस करता है विच इज 16,626, ठीक है, ये इसके ऊपर 630 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो आपको फिर से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, तो जब तक कि मार्केट अपसाइड पर मूव करता जा रहा है हमें क्या है, जैसा मैंने आपको परसों के या एनालिसिस में कुछ दिन पहले के एनालिसिस में बताया था, उनका ये मार्केट जो है वो बाय ऑन ब्रेकआउट्स है। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट अगर अपसाइड पर ब्रेकआउट दे रहा है आप बाय करते चलिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि बस यहाँ से कितना और ऊपर जाएगा, यहाँ से कहीं नीचे तो नहीं घुस जाएगा, ये जब नीचे घुसेगा तब के तब देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी सिंपल सा देखिए बात कि अगर मार्केट बेरिश, हमारे लिए बेरिश सिनेरियो कब होगा, जब मार्केट
ये पर्टिकुलर स्विंग नीचे साइड पे क्रॉस करेगा और मैं आपको 15 मिनट चार्ट पर या 1 आवर चार्ट पर लेके चलूँ, तो मार्केट आप देखेंगे कि कुछ समय से, ये 2 दिन से मार्केट पर्टिकुलरली एक रेंज में ही है और मार्केट ने आज के दिन उसके रेंज के बाहर एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मैं कह दूँ ऑलमोस्ट रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ से आज ब्रेकआउट दिया है आपको बाहर। नेगेटिव सिनेरियो आपके लिए कब बनेगा, जब मार्केट फिर से ये जो स्विंग है इसके नीचे आने लग जाएगा, विच इज़ दी लेवल 16,550 का जो लेवल है, इसके नीचे फिर से अगर मार्केट आता है तो देन हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो जाएगा और उसी के आसपास आपका 100 DMA भी घूम रहा है। तो मार्केट ने एक अच्छा क्लोज हमें हमें ये दिया है कि बॉस मैं 100 DMA के ऊपर हूँ और मैं जो है कल के बेरिश मार्केट से फिर से आज मैंने बुलिश क्लोज दिया है, ठीक है। तो ये 2 बुलिश साइन हमें मार्केट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर फिर से मार्केट अपसाइड पर मूव करता है तो बिंदास हम बाय ही करेंगे मार्केट में किसी तरह का। अभी जब तक कि मार्केट में मान लीजिए कि हमें सेलिंग सिनेरियो नहीं दिखता, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा फिर आपको प्राइस एक्शन मार्केट में देखना पड़ेगा कि बॉस किस तरह का मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर आपको यहाँ प्राइस एक्शन देखना है कि किस तरह का इस तरह का बन रहा है या फिर इस तरह का मार्केट में प्राइस एक्शन बन रहा है, तो वो आपको देख के फिर ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। मार्केट अगर स्विंग लो ये क्रॉस करता है उसके विच इज़ दी 15,550 लेवल, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर हमें लगता, फिर मुझे लगता है कि यहाँ तक गैप फिलिंग तक मार्केट इजीली आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए ये तो बात रही निफ्टी की, अब बढ़ते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट चैनल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, चैनल के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर फिर से मार्केट अपसाइड पर निकलता है तो आपको फिर से यहाँ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आज अगर HDFC बैंक मार्केट को सपोर्ट करता तो मार्केट थोड़ा और आपको अपसाइड पर क्लोजिंग मार्केट की देखने को मिलती, बैंक निफ्टी की खासकर, ठीक है। निफ्टी ने फिर भी एंड ऑफ द डे ठीक परफॉर्म कर दिया, आज आखिरी कुछ घंटों में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, बट अभी भी यहाँ पर भी किसी तरह का बेरिश साइन नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले दिन का जो लो है वो मार्केट ने टच नहीं कराया अभी भी, तो यहाँ पर जब तक कि वो इंटैक्ट है, मार्केट जब भी अपसाइड मूव कर रहा है तो आप यहाँ पर बाय करते चलिए, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट में किस तरह का बेरिश सिनेरियो आता है तो आप मार्केट में फिर सेल साइड पर जा सकते हैं, राइट। जैसा आपको ध्यान है, मैंने एक चीज़ कही थी आपको कि जब भी मार्केट अपसाइड पर मूव करेगा तो अपने स्विंग्स जो हैं उनको बचा दें। USD INR में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है, डॉलर में हमने डिस्कशन किया था कि बस मार्केट जब भी ऊपर मूव कर रहा है तो स्विंग्स नहीं अपने तोड़ रहा है, अपसाइड पर मूव करे जा रहा है और स्विंग्स बचा के ऊपर चलता जा रहा है। तो जब तक ये स्विंग्स बचे रहेंगे तब तक हमें किसी भी तरह के बेरिश साइड सोचनी भी नहीं है। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट अपसाइड मूव किया, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से अपसाइड पर गया, ये स्विंग मार्केट ने बना दिया, ये इस दिन भी नहीं तोड़ा, मार्केट अपसाइड पर चला गया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट अपसाइड पर चला गया, फिर मार्केट ने आज स्विंग बनाया, फिर मार्केट अपसाइड पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अनलेस कोई स्विंग यहाँ पर ब्रेक नहीं होते तब तक हमें किसी भी तरह का कोई अपनी तरफ से नहीं सोचना है अपना आइडिया नहीं लगाना, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो चार्ट बोल रहा है वो करने का, अपना दिमाग नहीं लगाना फालतू। अच्छा हाँ, और हाँ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिर से मैं बता देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि भाई सेंसिबल पर मानसून सेल अभी ऑन है, तो आप सेंसिबल के फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप प्लान रिन्यू कराने का सोच रहे थे या फिर आप सोच रहे हैं कि यार लेंगे कभी इसको। जैसे मेरे पास कमेंट्स में आते रहते हैं कमेंट्स कि बस सर कोई ऑफर चल रहा है क्या, तो अब भी ऑफर चल रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको लेना तो आप जाके लिंक पर क्लिक करिए, एक्सप्लोर करिए ऑफर, ठीक है। तो इसी के साथ प्रमोशनल एक्टिविटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये सही में एड ब्रेक लगाना है मुझे भी बट सीरियसली अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अगर आप मान लीजिए कुछ समय बाद रिन्यू कराना चाह रहे थे तो ये एक अच्छा समय है मार्केट में अपना प्लान रिन्यू कराने का, ठीक है। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो निफ्टी का बिगेस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,500 का लेवल, ठीक है, और 17,000 का लेवल, ठीक है। तो 17,000 का तो काफ़ी दूर है तो मैं इसे अभी के लिए इग्नोर कर देता हूँ। जो बड़ा कंजेशन पॉइंट है जहाँ पर दोनों ही बड़े बड़े OI खड़े हुए हैं वो है 16,500 का लेवल, तो ये थोड़ा सा डिसाइसिव मार्केट के लिए हो सकता है, परंतु यहाँ पर अभी भी सपोर्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। PCR की वैल्यू बहुत अच्छी है, यहाँ पर PCR बहुत अच्छे स्टेट में दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी देखेंगे, वीक है थोड़ा सा, निफ्टी से वीक है परंतु हाँ ठीक है, बुलिश PCR है, कोई खराबी नहीं है इसमें, ठीक है। इसके लिए भी 36,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, जो हमने कल भी डिस्कशन किया था कि बस 36,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर हमें एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। FI डेटा यार अपडेट नहीं हुआ, इस वजह से मैं मार्केट एनालिसिस मैंने लेट किया, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, नहीं अपडेट हुआ अभी तक, ठीक है। NSE की साइट पर भी नहीं अपडेट हुआ है। तो बेसिकली वर्डिक्ट में रहना है कि मार्केट जो है वो पिछले दिन के
हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, और इसको मैं बोल देता हूँ फिर से, जो मैं लिखता हूँ जो मैंने आपको बताया कि बॉस ये जो मार्केट है कैसा है, बाय ऑन ब्रेकआउट्स, ठीक है, ऑन ब्रेकआउट्स, ठीक है, बाय ऑन ब्रेकआउट मार्केट है, बुलिश मार्केट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट चैनल ब्रेक करता है हमारा, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, चैनल ब्रेक करता है, तो हमें फिर और अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। परंतु आप देखेंगे जो चैनल हमने बनाया वो भी एक बुलिश चैनल ही है, तो उसके अंदर भी इनफैक्ट अगर मार्केट मूव करता है तो भी अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा, वहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आएगा, फिर से मार्केट फिर अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए आपने क्या करना है कि बॉस अगर 16,600 वाला हाई ब्रेक करता है तो आप जाइए, और अगर लो ब्रेक करता है 16,500 का तो आप सेल करेंगे, ठीक है। गैप अप के केस में आपने थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना है, मैं यहाँ पर वो भी मेंशन कर देता हूँ कि गैप अप सी सी प्राइस एक्शन, ठीक है, गैप होता है प्राइस एक्शन करना है। अगर पुट सेल करने के लिए ठीक मार्केट लग रहा है, परंतु कल एक फॉलोअप दे दे दीजिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेड एंटर करना चाह रहे हैं तो कल के दिन आप वेट करिए, कल की क्लोजिंग कैसी हो रही है वो देख के आप करिए। मार्केट अगर नीचे साइड पर क्लोज करता है तो थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच अभी करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल सेल किए जा सकते हैं फिर सेफर लेवल्स के, परंतु वहीं अगर मार्केट अपसाइड पर क्लोज देता है तो सेफर लेवल्स के हम पुट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लोजिंग थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो कल वीकली क्लोज भी हो जाएगा, तो फिर हम सत्संग करेंगे संडे का, वो मुझे पता नहीं क्यों तो पसंद आता है। उस समय मुझे लगता है कि मुझे हड़बड़ाहट नहीं होती जल्दी एनालिसिस ख़त्म करने की, क्योंकि उस दिन मुझे लगता है चलो एक दिन लंबा हुआ तो चलेगा, बाकी हर दिन 20-20, 22-22 मिनट के एनालिसिस बहुत लगता है कि अभी को कौन देखेगा इसको। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बढ़ते हैं हम लोग डॉलर के एनालिसिस की तरफ। देखिए तो अब भी मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट अगर मैं फिर से इसको 4 आवर चार्ट में लेके चलूँ तो हमें क्लियर पिक्चर और दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमको कि बॉस मार्केट अब ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर हमको यहाँ से। तो अगर मार्केट में ये स्विंग मार्केट क्रॉस करता है विच इज़ 79.7 अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर आपको नीचे साइड पर मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। परंतु अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक ठीक अपॉर्चुनिटी, ओके ओके, अगर मैं कहूँगा अभी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप एग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो ही आप ये चीज़ प्लान करिएगा। तो यहाँ पर कॉल सेल करना एक ठीक ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है अभी के लिए, ठीक है। केवल ये है कि अर्ली, हम अगर अर्ली एंट्री कर रहे हैं तो हमें ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस नहीं मिले हैं अभी मार्केट में, परंतु हाँ अगर हमने अर्ली एंट्री करना है तो ठीक है। परंतु अगर अगर आपने सेफ एंट्री करना है तो सेफ एंट्री करने के लिए हमारे पास ये जो स्विंग है विच इज़ जो मैंने आपको लेवल बता दिया है 79.7 जो स्पॉट पे है, उसके नीचे अगर मार्केट आता है क्लोज देता है इस तरह के, तो हम कहें हाँ अब फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें गिरता हुआ दिखाई देगा अच्छा सा, और फिर मार्केट में एक ठीक ठाक मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका क्या व्यू है आगे आने वाले दिनों के लिए। आपको लगता है कि अब यहाँ से हो गया, अभी बुलरन शुरू हो चुका है या मार्केट में अभी आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी तो गिरना चाहिए सर, जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है। और इसी के साथ आई विश यू कि बॉस कैपिटल आपका है, सोच समझ के आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है, हेज के साथ करिए ट्रेड, और हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल।